राम जी का जीवन। राजा दशरथ की तीन रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन उसके कोई औलाद नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने एक यज्ञ करवाया और यज्ञ के दौरान जल रही पवित्र अग्नि में से अग्नि देवता प्रकट हुए। उनके हाथ में खीर से भरा हुआ एक सुनहरी कटोरा था। अग्नि देवता ने कहा, राजा, अगर तुम्हारी रानियां ये खीर खाएंगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। रानियों ने खीर खाई। और राजा को चार पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ और उनकी रानियां चार पुत्रों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को पाकर बहुत खुश थे। इनमें से राम को पूरे राज्य के लोग देखकर बहुत खुश होते थे। वे हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते थे, यहाँ तक कि नींद में भी, और हर कोई उन्हें बहुत प्यार करता था। वे इतने प्यारे थे कि हर कोई उनकी क्रीड लीला देखकर खुश होता था। अब धीरे धीरे राम ने अपने पेट के बल चलना शुरू कर दिया। बहुत ही जल्दी वे घुटनों के बल चलना सीख गए। सहारा लेकर वे बैठने और उठने भी लग गए। जल्दी ही लड़खड़ाते हुए उन्होंने चलना, दौड़ना, कूदना आदि सब सीख लिया। वे जल्दी ही बहुत आनंदमय और बचपन से परिपूर्ण होते हुए बोलना, गाना और नाचना सीख गए। एक दिन राम महल की छत पर खेल रहे थे। अंधेरा होने को था क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका था। चांद धीरे धीरे आकाश में उगना शुरू हुआ था। चांद बड़ा गोल और चमकदार था। यह पूर्णिमा की रात थी। पूरा आकाश तारों की रोशनी से जगमगा रहा था। जब राम ने चांद को देखा तो उन्होंने अपने सारे खिलौने छोड़ दिए और कहा, मुझे चांद चाहिए। सबने उनको समझाते हुए कहा, चांद तो आकाश में है। चांद को आकाश से उतारकर धरती पर लाना असंभव है। लेकिन राम बहुत जिद्दी थे। वे बोले, मुझे तो चांद ही चाहिए। उन्हें अपने किसी भी उत्तर के रूप में नहीं सुनना पसंद नहीं था। अब उन्हें कौन सुनता है? राम जी ने तो रोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जो भी तुम्हें करना है करो, लेकिन मुझे तो चांद चाहिए। वे इतना रोते रहे कि रोते रोते उनके गाल लाल हो गए। सबने उन्हें खुश करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। लेकिन अचानक कोई एक सुनहरी थाल में पानी भरकर लाया और बोला, देखो, चांद तो यहाँ थाली में है। अब राम बहुत खुश थे और वह थाल में चांद के साथ
खेल रहे थे। वे बहुत ही उत्सुक थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, चारों राजकुमारों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को विद्या के साथ साथ दूसरी कलाओं में